प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर लोकसभा में और राज्यसभा में अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में जो परिवर्तन हुआ था तैयार हो गई थी उसको पूरा करने के लिए दिल्ली ने कानून फिर से पास कराने का काम किया। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ विकास हुआ है। 2008-13 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एक प्रकार से कांग्रेस की स्थिति न केवल पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे कमजोर हालत में विभाजित कांग्रेस और आज मैं ये कह सकता हूँ कि 2018 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल जी जिस बात को कहने चाह रहे थे वो पूरा कांग्रेस का जो कल्चर रहा है वर्क कल्चर रहा है घोटालों से घिरी हुई सरकार जो जनता ने उनको उस हालत में पहुंचा दिया कि इतिहास में सबसे कम सांसद हैं उनके भ्रष्ट आचरण की वजह से कांग्रेस के घोटालों से घिरी हुई फोर से लेकर टू जी थ्री जी घोटाले दुनिया के घोटाले से घिरने के बाद आज देश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। आज वो वापस आने के लिए छटपटाहट दिख रही है और छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता इस प्रकार के भाव में आने वाली नहीं है फिर से भारतीय जनता पार्टी की जनता।
भैया 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 इस तरफ चले जाइए, चलो ना चल 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 भैया अंदर आ जागरूकता मैं देखता हूँ
मिनी माता का क्या असर हुआ, मिनी माता का संदेश का समाज महिलाओं के अंदर क्या असर हुआ, आज के आयोजन में ही मैं देख रहा हूँ जितने हमारे पुरुष भाई आए हैं उतने ही बराबर संख्या में हमारी बहनें भी उपस्थित हैं। ये बताता है जागरूक समाज कैसे यहाँ शिक्षा का प्रसार, बेटियों को शिक्षित करने का काम, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाज को शिक्षित होना। समाज को शिक्षित करने वाला समाज शिक्षित समाज ही देश का नेतृत्व करता है, समाज को आगे बढ़ाने की भूमिका होती है। मैं आज इस अवसर पे आप सबको शुभकामना देने आया हूँ, बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ कि संगठित होकर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में आगे बढ़ने का काम, और बाबा गुरु घासीदास के उद्देश्यों को याद करते हुए जिन्होंने कहा था मन के मन के एक समाज, न कोई छोटा है न बड़ा है न अस्पृश्यता आनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर बाबा जी ने जीवन भर गांव गांव में संदेश देने का काम किया। बाबा का उद्देश्य न केवल इसके समाज के लिए बल्कि सर्व समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। जाति वादी की प्रथा को समाप्त करके, भेदभाव को समाप्त करके, ऊंच नीच की प्रथा को समाप्त करके निश्चित रूप से काम को आगे बढ़ाने का काम बाबा जी ने किया, और आज समाज उनसे प्रेरणा लेकर उनके रास्ते पे चलते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। पंथी के गाने वाले हमारे हजारों पंथी गायक गांव गांव में पंथी के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास का उपदेश का दान करते हैं, और ये संदेश से लोगों के कान में गूंजता है, और ये उनको शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करता है। आज इस अवसर पर समाज के सभी बंधुओं को, यहाँ के अध्यक्ष जयंद्र जी को, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतने शानदार आयोजन के लिए आज आपने 20 लाख के भवन का लोकार्पण कराया, उसके साथ ही साथ एक सैन्य निर्माण का काम काज भूमि पूजन 15 लाख का हुआ, अतिरिक्त 10 लाख के मांग भी समाज की ओर किया गया है। निश्चित रूप से समाज की भागीदारी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश में हमारे जिले में है। ये निर्माण कार्य और विकास काम समाज को बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यक है, और 10 लाख रुपये की मंजूरी समाज को दी जाएगी। आप सबका फिर से एक बार मिनी माता के निर्वाण दिवस में मैं आप सबको समाज को आगे बढ़ाने का जो संकल्प माता जी ने दिया था उसको हम सब मिलकर और आगे बढ़ाए। आपने स्वागत किया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी को स्थिति से निपटने के लिए युवा प्रकोष्ठ और प्रवी सेवा समिति के सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, और इसी प्रकार सभी हमारे अतिथियों का यहाँ पे स्मृति दिन देकर स्वागत करेंगे।